हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल डी। प्लीज़ मेरे बालों को आज इग्नोर कर देना क्योंकि मैंने इनको आज ही शैम्पू किया है और ये बिल्कुल भी मान नहीं रहे मेरी बात, अनमैनेजेबल हो रखे हैं, तो प्लीज़ इसे इग्नोर ही कर। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। वैसे तो आप टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो किसी भी यूट्यूबर के लिए या किसी भी कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए कैमरा लेना इज़ लाइक अ ड्रीम, एंड आई फाइनली गॉट माई फर्स्ट ड्रीम कैमरा विच इज़ कैनन का EOS M50 Mark II, एंड ऑल थैंक्स टू माई ब्रदर, ही गॉट मे दिस। एंड देर इज़ अ होल स्टोरी बिहाइंड दिस कि कैसे मैंने इसको लिया है एंड कैसे उन्होंने मुझे ये दिलवाया, एंड आई एम गोना टेल यू दैट स्टोरी ऐसे इसको अनबॉक्सिंग करते हुए, ताकि आप लोग को थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए एंड ये वीडियो थोड़ा कम बोरिंग लगे आप लोगों को। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया अभी तक। वो कीड़ा होता है ना कि कोई भी नया चीज़ आए तो उसको झट से खोल के देख लेते हैं, तो मेरे अंदर भी वही कीड़ा है। मैंने इसको ऑलरेडी खोल के देख लिया है, लेकिन मैंने इसको दोबारा से ऐसे पैक पैक करके जैसा था वैसा ही इसको रख दिया, ताकि मैं इसको दोबारा से अनबॉक्स कर सकूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी खुशी आप लोग के साथ शेयर करूँ, लाइक आप लोगों को मैं अपने खुशी का एक पार्ट बना सकूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और बाकी ऐसा कुछ कोई खास इंटेंशन नहीं है इस वीडियो बनाने का। तो चलिए जल्दी से मैं ये अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम ऑल्सो गोना शो यू द साइड बाई साइड कंपेरिजन बिटवीन माई फ़ोन जिससे मैं शूट कर रही हूँ एंड दिस कैमरा। तो चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा कैमरा का बॉक्स। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना स्टोरी पहले ही बता के ख़त्म कर दूँ, क्योंकि छोटा सा स्टोरी है और जब मैं इसको अनबॉक्स करूँगी तो इसका सामान के बारे में बताऊँगी या मैं स्टोरी बताऊँगी, तो थोड़ा वो हो जाएगा ना, थोड़ा कन्फ्यूज़न सा हो जाएगा कि स्टोरी पहले बताऊँ या इसको बताऊँ। तो मैं पहले स्टोरी बताकर ख़त्म कर देती हूँ। तो क्या हुआ था कि जब 2020 में कोविड आया था तो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, अभी के ज़्यादातर यूट्यूबर्स ना लॉकडाउन में ही अपना यूट्यूब चैनल खोले थे। तो मैंने भी लाइक ऐसे मेरे दिमाग में रैंडम थॉट आया था कि मैं भी यूट्यूब चैनल पे चैनल खोल लेती हूँ, और मैंने ऐसे रैंडमली अपने लाइक पेरेंट्स को, लाइक मम्मी को और अपने भाई को बताया कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी। तो दे वर लाइक ठीक है कर ले, तो बहुत ठंडा सा रिस्पॉन्स था, क्योंकि यूट्यूब चैनल उनको लग रहा था कि मैं बोर हो रही हूँ और मैं ऐसे ही खोल के कुछ दिन वीडियो बनाऊँगी एंड बोर हो जाऊँगी और छोड़ दूँगी, क्योंकि उनको मालूम है कि, और ऊपर से मुझे ब्यूटी कंटेंट का लाइक ब्यूटी कंटेंट बनाना था, जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी हज़ारों ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो मैं कैसे उनमें से लाइक ग्रो कर पाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे खुद पे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं टाइम पास के टाइम पास के तरीके से ही मैं यूट्यूब चैनल खोली थी अपना, तो सब ठीक था, लाइक सब ने हाँ 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 बोल दिया, वीडियो बना बोल दिया। तो मेरे भैया ने लाइक मेरा एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, तो दोनों ने मुझे लाइक बोला कि हाँ ठीक है, बड़े भैया ने भी बोला कि ठीक है कर ले, कुछ कर नहीं रही वैसे घर पे, तू लॉकडाउन में सब बोर ही हो रहे हैं तो स्टार्ट कर ले, कुछ करेगी तो दिमाग इंगेज रहेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है कर लेती हूँ। तो मैंने अपना चैनल लाइक जुलाई में खोला था, जुलाई के एंड पे, एंड जो मैंने पहला वीडियो बनाया था ना, तो मेरा वो वीडियो में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था और मेरा 100 सब्सक्राइबर्स पहले ही दिन पूरे हो गए थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा बूस्ट मिला था। मैं बहुत मोटिवेटेड हो गई थी उसके वजह से कि बहुत जल्दी मेरा चैनल ग्रो कर रहा है बोलकर, लेकिन मेरे को क्या मालूम था कि यूट्यूब पे ग्रो करना कितना मुश्किल है। वो 100 सब्सक्राइबर्स जो थे उसके बाद तो चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा था, बहुत ही मुश्किल हो रही थी। मैं वीडियोस बना रही हूँ, व्यूज़ भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, चैनल ग्रो भी नहीं हो रहा, सब्सक्राइबर्स भी नहीं आ रहे हैं जितना आ रहा था। बहुत लाइक मेरे फ्रेंड्स लोग ने भी बहुत लाइक उन्होंने मेरा चैनल ग्रो कराने में हेल्प करा है। स्टार्टिंग में उन्होंने सबको बोल देते थे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, ये वो, तो बहुत ही वो था। और ऊपर से यूट्यूब का मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आर का वॉच टाइम, वो तो पहाड़ तोड़ने जैसा हो गया था मेरे लिए, क्योंकि चैनल ग्रो लाइक सब्सक्राइबर्स गेन ही नहीं हो रहे हैं और वॉच टाइम तो दूर की बात थी, 4000 आर का वॉच टाइम दूर की बात है, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स ही नहीं आ रहे हैं। तो एक पॉइंट आया था जब मेरा लाइक सब्सक्राइबर्स 200-300 के आसपास था, एंड मेरे भैया ने बोला, तो मेरे भैया ने लाइक मुझे शायद मोटिवेट करने के लिए बोला था कि दीक्षा तेरा जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएगा ना, मैं तेरे को कैमरा दिलाऊंगा।
तो उनको अंदर से मालूम था कि लाइक बहुत ही मुश्किल है इसके लिए वो 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करना, एंड मेरे लिए मुझे भी मालूम था कि वो पहाड़ तोड़ने जैसा हो जाएगा क्योंकि मेरा 200 से ऊपर आ ही नहीं रहा सब्सक्राइबर्स। तो फिर भी उन्होंने बोल दिया, बोलने के लिए मैंने भी सुन लिया। तो अगस्त के टाइम पे मेरा चैनल ऐसा ग्रो करा कि मेरा लाइक जो वॉच टाइम था एंड मेरा सब्सक्राइबर्स जो था वो ऐसे गेन हुआ। लाइक मेरा दो वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था, वो मेरा होम डेकोरेशन रूम डेकोरेशन का एंड लाइक मेरा पिंपल मेरा एक्ने जोड़ने वाला वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि मेरा वॉच टाइम एंड मेरा सब्सक्राइबर गेन दोनों बढ़ गया एंड मेरा मोनेटाइजेशन पूरा हुआ, मेरा मोनेटाइजेशन लाइक मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। एंड उस टाइम मेरे भैया लाइक घर पे ही थे, वो मेरे भैया मर्चेंट नेवी ऑफिसर है ना, तो उनको ड्यूटी पे जाना था, उनका छुट्टी ख़त्म हो रहा था। तो मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स हो गया था, मैं उनको बोल रही थी कि मेरे को कैमरा दिलाओ, तो उन्होंने मेरे को दिलाया नहीं, ठीक है। तो जब उन्होंने बोला कि जब मैं ड्यूटी से वापस आऊँगा तब मैं तेरे को कैमरा दिलाऊँगा, तो मैं वेट करने लगी। तो लाइक जब वो मुझे छोड़ के गए थे तब 1000 सब्सक्राइबर्स था, एंड जब वो अब वापस आए हैं तो मेरे 33K सब्सक्राइबर्स है। तो बहुत ही लाइक अच्छा लगता है ये देख के कि लाइक तब मैं शायद हकदार नहीं थी, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स में लाइक 1000 सब्सक्राइबर्स होकर कैमरा लेना इज़ अ बिट सिली। लेकिन अब जब मेरा 33K सब्सक्राइबर्स है तो मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि मैं थोड़ी बहुत हकदार हूँ इस कैमरे की, और मैं ले सकती हूँ, मैं यूज़ कर सकती हूँ, मैं अपने कॉन्टेंट को थोड़ा और क्वालिटेटिव बना सकती हूँ। तब मुझे ये कैमरा लेते हुए अच्छा फील हो रहा है, नहीं तो मैं सोच रही थी कि मैं कैनन का G7X Mark II है ना व्लॉगिंग कैमरा, वो छोटा सा मैं वो लूँ, वो थोड़ा सस्ता भी था तो मैं वो लेने का सोच रही थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा पैसे वेस्ट करना इज़ लाइक अभी उतना ज़रूरी नहीं है, मैं बाद में लेती रहती। लेकिन ये कैमरा है ना, ये इंटरचेंजेबल इसका लेंस है, तो मैंने सोचा कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कैमरा बहुत ही सही रहेगा, तो इसीलिए मैं ये कैमरा पे शिफ्ट हो गई। एंड ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, उन्होंने लाइक फिर भी खुले मन से मुझे ये कैमरा दिलवा दिया उन्होंने। एंड इसके साथ मैंने बाकी एक्सेसरीज़ भी ख़रीदा है, लेकिन वो अभी ऑर्डर मैंने कर रखा है अमेज़ोन पे, वो धीरे धीरे आएगा, शायद 3rd January को आएगा। तो मैंने ऐसा इसका कैमरा बैग मंगवाया है, माइक मंगवाया है एंड एक्स्ट्रा बैटरी मंगवाया है, तो वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी। तो लाइक मेरा वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा हो जाएगा एंड आप लोग को मैं लाइक शायद मैं व्लॉग भी बनाना स्टार्ट कर दूँगी, तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही मुझे ये कैमरा मिला है, बहुत ही मुश्किल से मिला है, मेरे को ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो गया इस लाइक इस चैनल पे काम करते हुए। एंड मुझे मालूम है मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अब मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँ अपने चैनल पे, क्योंकि अब तो कैमरा भी आ गया है तो क्या ही बहाना रहेगा अब, क्योंकि मोबाइल में स्पेस भर जाता है ना, तो थोड़ा वो हो जाता है मन में कि स्पेस नहीं है यार, बनाने में थोड़ा आलस आता है। तो अब शायद मैं बनाऊँ, थोड़ी मोटिवेटेड होकर बनाऊँ। तो चलिए अब मैं इसको जल्दी से अनबॉक्स करती हूँ और दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। स्टोरी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया ना, आई नो मैंने छोटा सा स्टोरी कह के आप लोग को टॉर्चर कर दिया, लेकिन अब मैं आगे बकवास नहीं करने वाली, मैं सीधा आप मुद्दे की बात करने वाली हूँ। तो ये मैंने बॉक्स खोल लिया इस तरीके से, और इसको खोलते ही यहाँ पे ये कुछ मैनुअल वगैरह और ये जो होता है वारंटी कार्ड वगैरह, इसमें ये सब है, दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं। इस तरीके से है, ये पूरा मैनुअल है, तो इसको मैं साइड कर ले। तो ये है वो सारी चीज़ें जो इस कैमरा के साथ आती हैं, तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो ये है कैमरे का चार्जर, तो मैं इसको अभी साइड में निकाल के रख लेती हूँ। और इसमें आता है ये एक बैटरी, और ये है कैमरे का स्ट्रैप, और ये है लेंस, कैमरे का लेंस। इसको मैं सबको मैं पहले साइड में निकाल के रख देती हूँ और मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी। और फिर ये आता है हमारा कैमरे का बॉडी आई मीन, और ये है चार्जर का केबल। तो इस बॉक्स में इतनी ही सारी चीज़ें आती हैं, अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें को खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं चार्जर को दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर बैटरी लगा कर चार्ज करना होता है। मैं स्ट्रैप को भी खोल लेती हूँ, ये है कैमरे का स्ट्रैप, इसमें कैनन और EOS लिखा हुआ है दोनों साइड पे। तो इसको कैमरे पे लगा के लाइक सेफ्टी पर्पस के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी। और ये है वो
चार्जर का केबल। और अब आता है हमारा मेन सामान जो कि है लेंस। ये कुछ इस तरीके से है, कितना मजा आ रहा है इसको खोलते हुए। मेरी खुशी का वैसे ठिकाना ही नहीं है, मैं दिखा नहीं पा रही आप लोगों को कि मैं कितना खुश हूँ, लेकिन आप लोग मेरा शक्ल देखकर आप लोग जान रहे होंगे, क्योंकि मैं इसको दोबारा से भी अनबॉक्स कर रही हूँ ना, तो मुझे उतनी ही खुशी मिल रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं फर्स्ट टाइम में कितनी खुश होंगी। तो ये रहा वो कैमरे का बॉडी, ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, कितना प्यारा है ये। और छोटा सा कैमरा है, हाथ में अच्छे से फिट हो जाता है। इसके हेल्प से मैं लाइक व्लॉगिंग भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें है, इसको लेने का मेरा मेन पर्पस है ये फ्लिप आउट स्क्रीन। ये इस तरीके से फ्लिप हो जाता है, एंड इसमें जो इंटरचेंजेबल लेंस है उसके वजह से मैं फ्यूचर में अगर मुझे लेंस बदलने का मन है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो यही मेन रीज़न था इसका, ये फ्लिप आउट स्क्रीन और वो लेंस। तो मैं इसको जल्दी से फिट कर लेती हूँ और ऑन करके दिखाती हूँ कि कैसा इसका क्वालिटी आता है। मैं जल्दी से इस लेंस को इसमें अटैच कर लेती हूँ। और मैंने पहले कभी भी कैमरा यूज़ नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन आप शॉक मत होना जब मैं इसको अटैच करूँगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे इतना सारा वीडियो देख लिया है ना, कि मैं जब इसको फर्स्ट टाइम भी फिट कर रही थी तो मैं इसको एकदम एग्जैक्ट तरीके से एकदम ठक 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 करके फिट कर रही थी, क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियोज़ देख रखे कि मुझे याद हो गया कि कौन से टाइम में कौन सा चीज़ कहाँ पर अटैच करना है। मैंने वीडियोज़ देख के फेक डाला था इसको लेते टाइम। तो क्लिक करके ऐसे आवाज़ आएगा, तो इसका मतलब है कि फिट हो गया है। अब मैं जल्दी से इसमें बैटरी भी लगा देती हूँ। तो ये रहा बैटरी, कितने अच्छे से मैंने पैक करके डाला है, देखो ना जैसे कि फर्स्ट टाइम निकाल रही हूँ। और मैंने इसमें मेमोरी कार्ड ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, मैंने 64 GB का मेमोरी कार्ड लगा रखा है इसमें, तो ये मैंने लगा लिया। तो जल्दी से मैं इसको ऑन कर लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है ऑन होने के बाद। तो ये कैमरा मेरा ऑन हो चुका है और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं दोबारा से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सेट कर रखा है और पहले इसको जब मैंने इसको खोला था। तो ये रहा मेरा कैमरा ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है ये, मैं तो बहुत ही खुश हूँ इससे, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है मेरे लिए, इतनी ज़रूरत नहीं थी अभी, लेकिन मुझे मिल गया, वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी। भैया के साइड से ये ऑफ़र दोबारा नहीं मिलता मेरे को, इसलिए मैंने ले लिया बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं अब इससे एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करूँगी ताकि आप लोग को थोड़ा लाइक कंपैरिजन मिल जाए दोनों की क्वालिटी में। ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी फार फार बेटर होगी, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से एक तो शूट करती हूँ और ये लाइक कैमरा ही है, तो क्वालिटी ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा बेटर होगी। तो मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है। और इसमें ना अभी सारी सेटिंग्स मैंने ऑटो मोड में रखी है, एंड मुझे ना कैमरा के बारे में मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने वीडियोज़ देख के सब कुछ अभी तक फ़िलहाल सीख डाला है और मैं कर लूँगी जैसा लगता है। और अब से आपको लाइक वीडियो अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेगी। अगर आपको शुरू शुरू में ना लाइक वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी, लाइटिंग अच्छी नहीं लगी, तो आप इतना समझ लेना कि मैं इसे सीख ही रही हूँ, और इसको सीखते टाइम ऐसे गलतियाँ तो होंगी, लेकिन कोई नहीं, सीख लेंगे, उसके बाद तो क्वालिटी अच्छी आएगी। तो अब मैं जल्दी से क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसमें तो लाइटिंग ही डिफरेंट आ रही है, मुझे इसके अकॉर्डिंग लाइटिंग भी सही करनी होगी, मेरे सारे ब्लेमिशेस दिख रहे हैं इसमें। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसमें, जब मैं देख रही हूँ इसके साइड स्क्रीन पे व्यू फाइंडर पे, तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसके हिसाब से मुझे लाइटिंग सही करनी पड़ेगी। तो मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, रिकॉर्ड बटन पे दाब देती हूँ ताकि रिकॉर्ड भी हो। तो मुझे इसके हिसाब से इसकी लाइटिंग सही करनी होगी, एंड अभी आप देख सकते हो कि क्वालिटी कैसी है,
मैं उसका भी वीडियो क्लिप डालूंगी, इसका भी वीडियो क्लिप डालूंगी, और दोनों का ऑडियो का भी मैं डालूंगी। तो आप देख लेना इसका ऑडियो क्वालिटी भी कैसा है, और लाइक दोनों के कंपैरिजन में कैसा है। वैसे तो मैं इसमें मैंने माइक लगाया है और इसमें बिना माइक के मैं शूट कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही दिक्कत हो रहा है इसके लेंस में देखने के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा से स्क्रीन पे देखने की आदत है, और मैं इस पे देखूंगी तो फिर आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो अभी सिर्फ क्वालिटी देखने के लिए मैनेज कर लेना। हाँ, तो ये है इसका क्वालिटी, कैनन M50 Mark II का। और मेरा जो मोबाइल है वो है सैमसंग का M50, या सैमसंग का नहीं, M50 सॉरी, सैमसंग का A50 दोनों 50-50 है ना, कंफ्यूज हो गई मैं। तो यही है इस कैमरे का क्वालिटी एंड फोन का क्वालिटी। तो आप मुझे बताना, अभी तो वैसे ये पूरा लाइक ऑटो मोड में है, इसका मैं सेटिंग्स भी मिलाऊंगी। अभी तो मैं इसको सीखूंगी कि कैसे मैं इसका सबसे अच्छा सेटिंग मैं बिठा सकूं अपने सेटअप के हिसाब से, अपने लाइटिंग के हिसाब से। तो फिलहाल तो यही है जो है ऑटो ऑटो मोड में, आप मुझे बताना। और ये बहुत ही अच्छे से मेरा आई डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका फोकस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब मुझे अपने मेकअप वीडियो बनाने में भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे शोकेस कर पाऊंगी, और पूरा ब्लरी ब्लरी सा बैकग्राउंड आएगा तो बड़ा मजा आने वाला है। तो मैं बस बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो अब मैं इसको जल्दी से बंद कर लेती हूँ। तो इसकी क्वालिटी का तो अभी पता नहीं, मैं जब इसको एडिट करूँगी ना वीडियो को, तभी मुझे पता चलने वाला है कि वीडियो कैसा बना है। एंड तो यही है मेरा कैमरा, एंड मैं बहुत ही खुश हूँ इसको लेकर। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँ और इसके हेल्प से वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि क्वालिटी इंक्रीज़ करना ना, वीडियो में क्वालिटी ना रहे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अपग्रेड कर रही हूँ, इतना बड़ा अपग्रेड, ये बहुत ही बड़ा अपग्रेड है मेरे लिए, तो मुझे अब एक्टिव रहना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो यही था मेरा ड्रीम कैमरा और इसका अनबॉक्सिंग। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ बस। तो इतना ही था आज के मेरे इस वीडियो के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही साथ तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आप सभी को मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।